प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर क्लब में नगर निगम के तत्वाधान में आयोजित विभिन्न अवस्थापना विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास एवं जनसभा कार्यक्रम के अवसर पर कुल 62.03 करोड़ रुपए की लागत की 237 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 40.66 करोड़ रुपए की लागत की कुल 133 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 21.37 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाभार्थियों को अपने हाथों से आवास की चाबी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने 237 परियोजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यदि प्रतिनिधित्व अच्छा होता है तो विकास को गति मिलती है तथा विकास की योजना का बेहतर लाभ आम जनमानस को प्राप्त होता है। नगर निगम द्वारा विकास के लिए उपलब्ध धनराशि का प्रयोग जन सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर गरीब का आवास हो, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ किया। सरकार द्वारा गरीब को अपना आवास मिले, इस उद्देश्य से बिना भेदभाव सभी को आवास मुहैया करा रही है और विकास की योजना का लाभ पाना जनता का हक है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर महानगर में 25,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हर घर में शौचालय उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि अशुद्ध पेयजल एवं गंदगी मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियों को जन्म देती है। सरकार बिना भेदभाव स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सभी को उपलब्ध करा रही है, जिसके कारण इंसेफ्लाइटिस एवं कोरोना जैसी बीमारी को नियंत्रित किया गया है। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर विधायक सहजनवा शीतल पांडे, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह सहित मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। केंद्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ल के बाद में मुख्यमंत्री जी हमारे नगर निगम द्वारा इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं महानगर पार्षदों की तरफ से, सभी पार्षदों की तरफ से, नगर आयुक्त उनके साथ आए हुए नगर निगम के सभी अधिकारियों की तरफ से मंच पर उपस्थित सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनके साथ आए सभी मंत्रियों का और मेयर सत्या पांडे जी के तरफ से, सभी के तरफ से मैं आपका इस मंच से हार्दिक और हार्दिक स्वागत करना करता हूँ।
योजनाओं का आज विशेष रूप से आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, 4 साल के अंदर मैंने देखा है जिसका आपने शिलान्यास किया उसका लोकार्पण भी किया है। ये आपने विकास की गति दिया है उत्तर प्रदेश को, साथ ही साथ गोरखपुर को। आज सड़क में हम पर लोग घूमे तो देखेंगे चतुर्थ दिशा गोरखपुर का हुआ, इतना विकास आजादी के समय में भी नहीं हुआ। महाराज जी नगर निगम के कुछ खास बिंदुओं पर मैं आप बताना चाहता हूँ। आपके द्वारा आपके निर्देशन में जब हमारे महामारी यहाँ पर फैली थी, आपके दिशा निर्देशन में हमारे सभी पार्षद, नगर निगम के सभी हमारे अधिकारी इन्होंने मिलजुल कर बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो सरकार के तरफ से दी गई उसे जनता तक हम लोगों ने पहुंचाया। आप बनवाते मुख्यमंत्री ने इस मांग को, गोरखपुर की जनता की मांग को सहज स्वीकार किया। आज आपके दिशा निर्देशन में आपने जब नगर निगम में आए थे तो आपने निर्देश दिया था कि नवंबर में इसका लोकार्पण भी होगा। गोरखपुर वासियों के लिए, हमारे पार्षदों के लिए, नगर निगम के लिए हर्ष की बात है कि इतना बड़ा सदन भवन लगभग 2400 रुपये में अंतिम अपने निर्माण के अंतिम क्षण में है। एक छत और पड़ना है, नीचे से सारे काम पूरे हो रहे हैं। आपसे आग्रह करूंगा कि इसका लोकार्पण नवंबर में आप करेंगे, ये हमारे लिए गोरखपुर के वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। आज मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। जब हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से सुना और पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस बात के लिए प्रशंसा किया कि कोरोना का अभूतपूर्व मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, तो मैं हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और इन तालियों की इतनी छोटी बड़गड़ाहट शायद इसके लिए उचित नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने यही बात कही थी। WHO जिसे हम चिकित्सक विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में जानते हैं, उनकी भी यही घोषणा थी। और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्वनामधन्य पत्रिकाओं ने भी इसको खुलेआम अपने अपने कदम में बयान किया था कि उत्तर प्रदेश अगर स्वतंत्र होता तो देश का, दुनिया का 6वां सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य होता। इस उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से कोरोना का मैनेजमेंट किया है वो पूरी दुनिया के लिए मुकदरी है। आज मैं इस मंच पर हूँ और कम से कम गोरखपुर के अधिकारियों को मैं इसके लिए विशेष रूप से बधाई दूंगा। बहुत संक्रमण से हम लोग गुजरे थे दूसरी लहर में। 2 बजे भी हम लोग अगर फोन करते थे किसी मरीज के लिए तो जैसे भी संभव हो सके हमारा कोविड कंट्रोल रूम हमारे जिलाधिकारी के निर्देशन और नियंत्रण में कोई ऑक्सीजन मांगता था, कोई वेंटिलेटर मांगता था, कोई बेड मांगता था। विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती थी, लेकिन जितना बेहतर मैनेजमेंट हम लोगों ने गोरखपुर के अंदर किया था उसको देख कर लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किए गए उद्घोष वास्तविक रूप से कितने महत्वपूर्ण थे। मित्रों,
जैसा हमारे भाई विपिन सिंह जी कह रहे थे, अभी कुछ दिनों पूर्व हम लोग परीक्षा के लिए इकट्ठे हुए थे, 93 करोड़ की योजनाएं हम लोगों को मिली थी। अगर 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो काम पूरे हो चुके हैं, तकरीबन 40 करोड़ के काम आज हम उनका लोकार्पण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और 15वें वित्त आयोग का जो 21 करोड़ रुपए के आसपास का काम है, तकरीबन दोनों मिला के 200 कार्यों की श्रृंखला है। यह सारे के सारे कार्य, क्योंकि यहाँ अधिकतर बैठे हुए लोग गोरखपुर शहर विधानसभा के होंगे, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा गोरखपुर शहर विधानसभा को 200 कार्यों की सौगात आज मंच से योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। आप खड़े होकर के तालियां बजा करके योगी आदित्यनाथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। हम लोग तीन बार आते हैं, आप साल में 12 महीना आते हैं, हर महीने में 4 बार आते हैं, और जब भी आते हैं गोरखपुर विधानसभा को, गोरखपुर महानगर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश की विभिन्न विधानसभा को कोई ना कोई करोड़ों करोड़ों वर्गों की सौगात दे करके हमारे बीच में से आ जाते हैं। कि क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ शैसा ही बसता है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं सिर्फ गोरखपुर का विकास नहीं हुआ है, जिस तरीके से गोरखपुर का विकास हुआ है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का समान रूप से विकास हुआ है। हम सभी को कल्याण करें, आज नगर निगम के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर उसी लगभग 93 करोड़ कार्यक्रम संपन्न होता हुआ कर्तव्यध्वनि से क्षण को अभी बोध करें। नगर निगम में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री महोदय के कर कदमों से अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते हुए आईडीजी वाइफ ऑफ श्री पारसलाल श्रीमती दुखिया वाइफ ऑफ मिस्टर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती कविता जी वाइफ ऑफ मिस्टर कृष्ण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कदमों से चाबी को प्राप्त करते हुए श्रीमती मदानी वाइफ ऑफ श्री राजू मंच पर उपस्थित आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर के तत्वावधान में श्रीमती संगीता देवी वाइफ ऑफ श्री शंकर सब लोग से अनुरोध है कि कृपया ताली बजा करके क्षण को अनुभूत करें। आप ब्रिज एवं सोजिपा कार्यक्रम में भेंट करके उनका सादर अभिनंदन करें। मंगलवार के इस दिन विकास परियोजनाओं के आज के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, गोरखपुर
ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, सहजनवा के माननीय विधायक श्री शीतल पांडे जी, नगर निगम के उप सभापति श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री पुष्पचंद्र जैन जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री दृष्टि सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, पीके मणि जी, प्रदीप शुक्ला जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, देवेश श्रीवास्तव जी, अच्युतानंद शाही जी, सभी नगर निगम के पार्षदगण, महानगर के विभिन्न वार्डों से उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नगर निगम ने नगर के विकास के लिए जो धनराशि उपलब्ध थी पूरे महानगर के अंदर उस धनराशि का उचित नियोजन करते हुए आज उसका लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुल 237 परियोजनाएं, जिसमें सड़क की भी है, पेयजल की भी है, सीवर की भी है, और 62 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अच्छा प्रतिनिधित्व तो चुनेंगे तो विकास के पैसे का सही इस्तेमाल होगा। सरकारी पहले भी थी, पैसा पहले भी था, लेकिन पैसे में पहले लूट खसोड़ ज्यादा थी, बंदरबांड ज्यादा थी, अराजकता ज्यादा थी। आज वही सिस्टम है, केवल कुछ चेहरे बदले हैं, और वही सिस्टम विकास की योजनाओं का बेहतर लाभ आम जनमानस को दे रहा है। ये आम जनमानस को मिलने वाली योजनाएं, चाहे वह सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, साफ सफाई की हो, चिकित्सा स्वास्थ्य की हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, विद्युत कनेक्शन की हो, विद्युतीकरण की हो, आखिरी काम पहले भी हो सकता था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन हर गरीब के पास अपना मकान हो, अपने पूर्वजों के नाम पर योजना का नाम रखने की होड़ तो थी, लेकिन एक गरीब को आवास ईमानदारी के साथ मिल सके, इस ईमानदारी का अभाव था। आज आवास बिना भेदभाव के हर गरीब को मिलता है, न उसकी जाति देखी जाती है, न क्षेत्र देखा जाता है, न भाषा देखा जाता है, न मत देखा जाता है, न मजहब देखा जाता है। विकास की योजना गरीब का हक है और उसे मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मकान हर गरीब को उपलब्ध कराने का कार्य किया और आज वर्ष का लाभ देश का हर गरीब ले रहा है। गोरखपुर महानगर के अंदर 25,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। याद करिए, इन 25,000 लोगों के जीवन में नया परिवर्तन लाने वाला क्रांतिकारी कदम है। अभी मैं देख रहा था प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को योजना के साथ जोड़ना, उस योजना का बेहतर उपयोग करना और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की योजना, इनके साथ जुड़े हुए स्वयं सेवक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। हर स्ट्रीट वेंडर को, पहले स्ट्रीट वेंडर कुछ लोगों के शोषण का जरिया बनता था, आज उसी स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार करा रही है और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसी का एक भाग है।
हर घर में शौचालय होना चाहिए। ये जो मैं की बीमारी थी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी, ये बीमारी क्या थी? ये मस्तिष्क जर क्या था? गंदगी, अशुद्ध पेयजल, यही तो इसका कारण था। एक एक घर में शौचालय बनाया गया, स्वच्छता पे ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया, बिना किसी सिफारिश के स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ हरेक व्यक्ति को प्राप्त हो सके। जब यह कार्यक्रम ईमानदारी पूर्वक चलाया गया तो उसका परिणाम भी क्या निकला? इंसेफ्लाइटिस भी समाप्त हो गई। ईमानदारी से हर व्यक्ति को योजना का लाभ देने का कार्य हुआ और समय पे उपचार, समय पे बीमारी की पहचान, समय पे टेस्ट, तो कोरोना भी उत्तर प्रदेश से गायब होता रहा दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, ये प्रबंधन होता है और सरकार का काम यही प्रबंधन करना होता है और सरकार उसी प्रबंधन के साथ आज प्रदेश के हर नागरिक को जोड़ रही है और उसी प्रबंधन के साथ जोड़ने के लिए नगर निगम गोरखपुर ने जो एक कार्यक्रम तय किए हैं, आज नए सिरे से एक नई पहचान गोरखपुर नगर निगम को मिल रही है। मैं पिछले दिनों जब नगर निगम में गया था, उस समय मैंने सीताराम जी से कहा था ये बात। मैंने कहा देखिए, गोरखपुर नगर निगम बाद में बना, पहले वह वहां पे टाउन एरिया था, फिर अब पालिका परिषद बना होगा, बाद में नगर निगम बना है, और उस छोटे से भवन को लेकर के इतने दिनों से एक कवायद चल रही थी। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नगर निगम को नया भवन भी बन गया। आज नगर निगम अपने नए भवन के साथ, एक नई पहचान के साथ, आने वाले 100 वर्ष के बाद जब यह भवन बनकर के पूरा होगा और इस भवन के बारे में 100 वर्ष के बाद जब उस समय की पीढ़ी चर्चा करेगी, तब ये बात जरूर आएगी, महापौर कौन था, पार्षद कौन थे। अब याद करिए ना, उस समय गोरखपुर की तस्वीर क्या होगी, ये उस समय की बात है। सीताराम जी इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं, जवाहरलाल पशुमन इसके लिए दुर्भाग्यशाली है कि महापौर नहीं बने, और वो सौभाग्यशाली है कि महापौर बन गए। उनके नाम से भवन का नाम, उनके नाम से भवन जब भी इतने वर्षों के बाद आएगा तो उनका नाम इसके साथ जरूर जुड़ेगा। इसलिए बेहतर कार्य आपकी कार्य पद्धति आपकी पहचान होगी और आपकी पहचान आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन सके, लोग उससे प्रेरित हो सके। यह कार्य हमें निरंतर करना चाहिए और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 237 परियोजनाएं एक साथ गोरखपुर नगर निगम के अंदर, नगर निगम के द्वारा योजनाएं अलग अलग हो सकती हैं, कुछ 14वें वित्त से होंगी, कुछ 15वें वित्त से होंगी, कुछ दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना के अंतर्गत होंगी। लेकिन नगर निगम ने उन योजनाओं को पूरे नगर के अंदर अलग अलग वार्डों में पार्षदों की सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया था कोरोना के द्वितीय लहर में, जब प्रदेश सरकार ने निगरानी समिति बनाई थी और निगरानी समिति के माध्यम से हर पार्षद अपने अपने वार्ड का अध्यक्ष था निगरानी समिति का, तो डोर टू डोर सर्वे करना, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, अगर किसी व्यक्ति की 24 घंटे के अंदर लक्षण युक्त व्यक्ति की जांच करवाना, और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको समय पर हॉस्पिटल या फिर अगर होम आइसोलेशन में है तो निरंतर उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी लेना। एक पार्षद के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी कोरोना कालखंड में देखने को मिली कि कितनी प्रतिबद्धता के साथ आपने कार्य किया और उसका बेहतर भी परिणाम हुआ कि आज उत्तर प्रदेश जो सराहना प्राप्त कर रहा है। निगरानी समिति, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स की जो मेहनत थी उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बेहतर परिणाम देने में सफल हुआ।
अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से जिस जन समुदाय ने हमें समर्थन दिया है उसके विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, अहर्निश प्रयास करना होगा। नहीं तो हम देख रहे थे बहुत कुछ लोग ऐसे भी थे, कोरोना जैसे आया उन्होंने अपने को होम क्वारंटीन कर दिया, कहीं निकले नहीं, बैठे रहे, टिप्पणियां करते रहे, कोई हालचाल लेने के लिए नहीं निकला। लेकिन ये भी लोग थे जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने वार्ड के एक एक व्यक्ति की उन्हीं और उस व्यक्ति का हालचाल लेते रहे, और जनता ने उस दिन अपने को धन्य महसूस किया होगा कि हमारा चुनाव सही था, कि जो व्यक्ति संकट के समय में हमारा हालचाल ले रहा है इसका मतलब हमने सही व्यक्ति को चुनाव किया था। और इसीलिए मैंने जब यहां नगर निगम के कार्यों का पिछले दिनों भी और आज भी जब शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा था तो मैंने जरूर कहा, मैंने कहा कि जिस वार्ड का है उस वार्ड के पार्षद का नाम उसमें जरूर आना चाहिए, जिससे पार्षद इस बात को महसूस कर सके कि मेरे प्रस्ताव पर यह कार्य हुआ है और नगर निगम के द्वारा यह कार्य मेरे वार्ड में हो रहा है। क्योंकि विकास की सबसे छोटी इकाई के रूप में उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, हर व्यक्ति अपनी जरूरत की जरूरत के लिए उसके पास आता है, उसके सामने अपनी बात को कहता है, अपनी बात उनके सामने रख करके कभी कभी ज्यादा जिद भी करता है, और अगर वह व्यक्ति उन जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा हुआ है तो पूरी जवाबदेही के साथ उन कार्यों को करता है। नगर निगम की 237 परियोजनाएं इस बात को प्रमाणित भी करती हैं। भाइयों बहनों, हम सबको एक सजग नागरिक के रूप में सदैव सचेत रहना चाहिए, विकास के प्रति भी और अपने आसपास के प्रवेश को देखते हुए सुरक्षा के प्रति भी, तो सुरक्षा बीमारी से भी और किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी। हमारी थोड़ी सी सजगता बहुत सारे लोगों के जीवन को सुरक्षित बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया है। एक घटना थी जो दिल्ली के बटाला हाउस से संचालित हो रही थी, उत्तर प्रदेश के अंदर लोग वगैरह बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित खड़ंत रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। दूसरी घटना आपने 3 दिन पहले देखी होगी, लखनऊ राजधानी में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां, अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है, और यह भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि जनता के द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं को सूचनाएं देना कि हमारे यहां कुछ संदिग्ध लोग कुछ गतिविधियों में लिप्त हैं, थोड़ा इन पे निगाह रखने की आवश्यकता है, और इतना पर्याप्त था। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं।
ब्रिटिश आजादी के माहौल में मशगूल होता उस समय, वहां फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुछ सिर्फ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, हम सबकी सजगता, आम नागरिक की सजगता किसी भी व्यवस्था को सदैव सुरक्षित रख सकता है। एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करेंगे, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा भी तो दायित्व बनता है, और उस दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर हम पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं इस प्रकार की गतिविधियों को समय रहते हुए मुंहतोड़ जवाब देकर के उन्हें बेपरवाह कर दें। और ऐसे तत्वों का कहीं समाज में रहते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, जनता के द्वारा ऐसे लोगों को पूरी तरह बाइकॉट करना चाहिए, क्योंकि वह केवल एक व्यवस्था का नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। न जाने कौन व्यक्ति बम किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता, और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। और जनता की जागरूकता, खासतौर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें वार्ड स्तर पर काम करना है, ग्राम पंचायत स्तर पर काम करना है, उनके संपर्क बहुत सघन होते हैं, वे इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और बड़ी घटना को टाल सकते हैं, और बड़ी घटना को टालने में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इस दृष्टि से आप सबको सजग रहने की आवश्यकता है। यह विकास तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, और इसीलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और इसीलिए शक्ति के साथ प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कुचलने का कार्य हो या पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान का कार्यक्रम, पूरी शक्ति के साथ उनसे निपटने का कार्य चल रहा है। आज के इस अवसर पर जब विकास की ढेर सारी परियोजनाएं गोरखपुर महानगर को मिल रही है, बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है, और मेरा यही आग्रह होगा कि योजना बनाते समय हम जनता की प्राथमिकता को जरूर ध्यान में रखें। जनता की पहली प्राथमिकता क्या है? योजनाएं सभी पूरी होंगी, लेकिन प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अगर हम योजनाओं को बनाते हैं और समयबद्ध ढंग से उन योजनाओं को आगे बढ़ा देते हैं तो समयबद्ध ढंग से बनने वाली इन योजनाओं का लाभ एक तो राजकोष पर अधिक खर्च नहीं पड़ता, अनावश्यक रूप से किसी परियोजना में लेट तो राजकोष पर अनावश्यक बोझ तो है ही, लेकिन साथ साथ जनता को भी मिलने वाली सुविधाओं को से उन्हें वंचित करने जैसी स्थिति हो जाती है। और इसलिए सदैव इस बात के लिए सतर्क रहते हुए कि किसी को भी हम लोग समयबद्ध ढंग से कार्य करने में विचलन की छूट न दें, कार्य के मानक की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाओं को और हमारी जिम्मेदार संस्थाओं को उठाना पड़ेगा। अगर कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ते हैं तो फिर हर व्यक्ति योजनाओं का लाभ पा सकता है। तीसरा, पात्रता की चयन की स्थिति हमारी जिम्मेदारी बनती है। आवास सरकार सबको दे रही है, हर गरीब को पात्रता के हिसाब से आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में तो इसमें काफी शिथिलता दी गई है, और मैं चाहूंगा कि जो नए क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में जुड़े हैं वहां पर प्राथमिकता के आधार पर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी नगर के अंदर नगर महानगर का दायरा तो बढ़ा दिया गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा था जहां पर बिजली बांस की बल्लियों में दी जाती थी। आखिर बांस की बल्लियां हटी
और आज वहां पर विद्युतीकरण का लाभ हरेक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। जल जलाओं की समस्या के समाधान पर एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे बरसात के समय में जो मोहल्ले जल जमाव से युक्त हो जाते हैं, जल जमाव से उन लोगों को वहां पर राहत मिल सके। बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ स्थानीय स्तर पर मोहल्लों से जुड़ी हुई, बाढ़ से जुड़ी हुई इन समस्याओं का समाधान भी समयबद्ध ढंग से आगे कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ आज नगर निगम ने 237 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया है। मैं नगर निगम के महापौर, उपसभापति, सभी पार्षदगण, नगर आयुक्त और पूरी नगर निगम की कार्यकारिणी समेत आप सभी को, पूरे नगर महानगर वासियों को इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास है कि विकास के कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ करके न केवल विकास को आगे बढ़ाएंगे बल्कि कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए जो भी सावधानियों सतर्कता बरतने के लिए प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश शासन ने समय समय पर अपील की, हम सब उसका पालन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।